ह्यूमन सेल, मानव शरीर की मुख्य शुरुआत होती है ह्यूमन सेल से। यह सबसे सूक्ष्म भाग है। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से ह्यूमन बॉडी, यानी कोशिका से उत्तक, उत्तक से अवयव, अवयव से अंग प्रणाली, अंग प्रणाली से मानव शरीर। बेसिक ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर दो हिस्सों में विभाजित होता है, एक ऑर्गेनल्स और दूसरा साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनल्स यानी कोशिका अंग या पेशी अंग, साइटोप्लाज्म यानी पेशी द्रव्य या कोशिका द्रव्य। ऑर्गेनल कोशिका अंग या पेशी अंग, इसके मुख्य भाग में एक है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेशी आवरण या कोशिका आवरण। सेल की रक्षा करना इसका मुख्य काम है, साथ ही जो सेल के आवश्यक सब्सटेंस है उसे अंदर लेना और अनावश्यक सब्सटेंस को बाहर फेंकने में मदद करता है। न्यूक्लियस केंद्रक, यह हमारे सेल का महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे सेल को कंट्रोल करता है। आसान भाषा में आप उसे सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। इसके दो मुख्य अंग हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्र का आवरण, न्यूक्लियोलस, केंद्र की, ये न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के मुख्य फंक्शन है, ये सेल को कंट्रोल करता है, यानी सेल का नियंत्रण करता है। रिप्रोडक्शन ऑफ सेल में मदद करता है, यानी नए सेल के उत्पत्ति में इसका मुख्य रोल है। इसमें हमारे शरीर के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो डीएनए का धागा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका, इसका मुख्य काम प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, यानी प्रोटीन एंड लिपिड्स को बनाना, उसके ऊपर काम करना तथा उसे आवाजाही में उसकी मदद करना। गॉल्जी एपरेटस, गॉल्जी बॉडी, ये हमारे सेल का पोस्ट ऑफिस है, जो प्रोटीन एटम्स को संग्रहित कर रखता है बैग्स के रूप में। जब आवश्यकता होती है तो वो सेल को प्रोटीन्स बैग्स निकाल के दे देता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे सेल का पावर हाउस है। यहाँ ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है या उसका रूपांतरण किया जाता है, यानी इसके माध्यम से हमारे सेल को एनर्जी मिलती है। लाइसोसोम, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल को ब्रेक करके बाहर निकालने में मदद करते हैं। वैक्यूल या रिक्तिका, इसका काम है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का, जब इसकी आवश्यकता होती है तो सेल को उपलब्ध कराने का। साइटोप्लाज्म या पेशी द्रव्य, जो पूरे सेल में फैला हुआ रहता है, उसका मेन कंटेंट प्लाज्मा होता है। साइटोप्लाज्म की वजह से ही सेल अपना शेप या आकार लेते हैं। साइटोप्लाज्म मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, जैसे एंजाइम्स, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी मदद करता है। साइटोप्लाज्म के बिना ऑर्गेनल्स पेशी अंग मटेरियल को पास इजीली नहीं कर सकते। हमने सेल के बेसिक और उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाया हुआ वीडियो है। धन्यवाद।